सर क्या मामला है पूरा आपके बैंक के ऊपर? आरबीआई ने 6 महीने का निर्बंध लगाया। ऐसा है कि हमारे बैंक की पोजीशन तो सक्षम है, सबसे पहली बात, इसमें कोई एनपीए हमारा ज़्यादा नहीं है या कोई फ्रॉड नहीं है, सबसे पहली बात तो विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, सबको आपके माध्यम से जनता। ठीक है, टेक्निकल कुछ बातें जो होती है वो बातों में जैसा कुछ इसमें साल डेढ़ साल से अलग अलग बैंकिंग के अलग अलग इशू आ रहे हैं, वो इशू में डिपॉजिट काफ़ी विड्रॉ हुआ है तो रिजर्व फंड मेंटेन करना पड़ते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आई, इसलिए आरबीआई ने बंधन लगाया। हमने आरबीआई से टाइम भी मंगा था, हम 6 महीने में रिजर्व फंड रिकवर करके रेगुलाइज कराएंगे, उन्होंने टाइम भी दिया, पर इन बिटवीन आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, कल अचानक आके उन्होंने हमारे को लेटर दिया कि 6 महीने का आप निर्बल आपको लगा है, 6 महीने में रेगुलाइज करो, उन्हें रेगुलाइज करने के बाद रूटीन में आपके बैंक चलो। अब ये सामने आया है, इसलिए मैं आज बैंक में आके बैठा हूँ, मैं लोगों को ये विश्वास दे रहा हूँ, लोगों का पूरा विश्वास है, एक एक पैसा लोगों को ऑफिस मिलेगा, किसी का पैसा डूबेगा नहीं, सबका मेहनत का कष्ट का अपनी ज़िंदगी का पैसा बैंक में रखा है, ये पैसे की जवाबदारी बैंक के अलावा व्यक्तिगत सुभाष झांबड़ की भी है, एज ए चेयरमैन बोल के एज ए ट्रस्टी बोल के मैं ये जवाबदारी ले रहा हूँ, एक एक रुपया सबको ऑफिस करूँगा, इतना विश्वास दिला हुआ। ओके।